गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना संक्रमण काल में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों के मकान दुकान भी जमींदोज किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना काल में ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के लिए रासुका की कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ रासुका ही नहीं बल्कि मकान दुकान भी जमींदोज किए जाएंगे। राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा, इतना बड़ा नेता तुकबंदी करेगा तो दुख होगा, न राहुल न कमलनाथ कोई फील्ड में नहीं जा रहे। करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, दवा, जो ड्रग माफिया है उन पर 20 से अधिक 23 से अधिक मामलों पर रासुका की कार्रवाई की गई। सरकार पूरी सख्त है, ये माफिया कहीं के भी हो, महाराष्ट्र के, गुजरात के या कहीं से भी, इस तरह का लोगों के जीवन के साथ में इस आपदा के वक्त खिलवाड़ करेंगे तो अकेली रासुका की कार्रवाई नहीं करेंगे। जो माफियाओं पे कार्रवाई की, जो पत्थरबाजों में कार्रवाई की, इनके मकान दुकान सामान सब नष्ट करेंगे और ऐसे लोगों पर, ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करके ये संदेश देंगे, कोई हिम्मत नहीं करे मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का। ये शिवराज सरकार है, यहाँ कानून का राज है। अब इतना बड़ा नेता अगर तुकबंदी इस दौर में भी करेंगे, पीड़ा तो होगी हमारे मन को। किसी एक भूखे को रोटी खिला देते अच्छा लगता, और उनके अनुयायी सारे हैं कमलनाथ जी तक, जैसे वो ट्वीट करते हैं ऐसे वो ट्वीट कर देते हैं, ना वो फील्ड में जा रहे हैं ना ये फील्ड में जा रहे, ना इनको सेवा से कोई मतलब है ना उनको है, सिर्फ कमियां निकालना, ये एक कांग्रेस ने अपना धर्म माना है। भारतीय होने का, नागरिक होने का कोई धर्म नहीं है, विपक्षी होने का धर्म निभा रहे हैं। यही कारण है कि आज तक लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं चुन पाए। मिश्रा ने बताया, 10 मई को 15.97 पॉजिटिव रेट हो चुकी है, अभी भी पॉजिटिव रेट घटाने की लगातार कोशिश हो रही है। 64.3% लोग होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुए हैं। किसी भी कीमत में संक्रमण की चेन को तोड़ने का सरकार का प्रयास है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से ऑक्सीजन प्रदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। आप सबने जो चिंता जाहिर की थी ऑक्सीजन की आज से 15-20 दिन पहले, आज लगभग हम शून्यता में हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, हर क्षेत्र में सरकार ने कोशिश की है और ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आपने देखा होगा कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। शिकायत जहां से भी आएगी, वैसे अब अस्पतालों वाली स्थिति तो इसलिए नहीं है कि 90% आबादी लगभग कवर हो गई है और सभी को उस रेट पर इलाज करना है और वो सब आयुष्मान योजना में उनका भुगतान होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।